Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कौम पहले ही पनामा केस के मामलों से जुड़े हुए हालात की वजह से बेचैन है, उसमें बेचैनी बढ़ रही है। इसी दौरान एक बड़ा वाकया हो गया है। दहशत गर्दों ने जान लिया है कि पाकिस्तान की कौम में इस वक्त इंतशार है, कौम मुत्तहिद नहीं मुंतशिर है, और इसी मौके पे खुद कुछ हमला हुआ है लाहौर में। दहशतगर्दी का बड़ा वाकया है जब आज लाहौर के फिरोजपुर रोड पे वाके अरफा करीम टावर के करीब खुद कुछ हमला हुआ। इसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 9 पुलिस ऑफिशल समेत 26 अफराद शहीद हो गए हैं, 58 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। और एक बार फिर पुलिस को निशाना बनाया गया है उस मकाम पर जहां एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी। नाजायज तजावीजात खत्म करने के लिए पुलिस मुतालिका महकमों के साथ खड़ी हुई थी और पुलिस एहलकारों पर यह हमला हुआ है, खुदकुश हमला है। इसमें जो 9 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं उसमें 1 सब इंस्पेक्टर, 1 ASI और 6 कांस्टेबल शामिल हैं। और ये दहशतगर्दी का लाहौर का एक और वाकया, इस साल का चौथा बड़ा वाकया है जो लाहौर में हुआ है। लेकिन जो मौजूदा मजमूई सूरत हाल है कौम की, मुल्क की, उसके पस मंजर में देखना पड़ेगा इस वाके को, जिसके हवाले से अब रेस्क्यू वर्क तकरीबन मुकम्मल हो चुका है लेकिन जख्मियों में से कई की हालत नाजुक बताई जाती है। इस पूरे वाके पे बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब हैदर अशरफ ने जो DIG ऑपरेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अशरफ साहब। ये बताइएगा कि इस मकाम को महज इसलिए चुना गया कि यहाँ पे पुलिस एहलकार अनअटेंडेड नजर आए, वो अपने मामूल के काम में थे, सॉफ्ट टारगेट था, वहां जाके खुद कुछ हमलावर ने अपने आप को फोड़ दिया। जी कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, आपने बगैर तौर पे पॉइंट आउट किए, ऐसा ही था। पुलिस वहां पे मौजूद थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी, अपना लॉफुल काम कर रही थी और वहां पे पुलिस को चूज किया गया, वहां पे पुलिस को टारगेट किया गया, जिसके नतीजे में पुलिस अफसर और जवान जो है वो शहीद हुए और 7 सिविलियन कैजुअलिटीज और शहादतें भी हुई है। अच्छा हैदर साहब, नॉर्मली ये होता है कि टेररिज्म का जब इस किस्म का कोई वाकया हो, टेररिस्ट जो हैं वो रेकी करते हैं, तैयारी करते हैं, एक फिक्स मकाम होता है जहां पर वो फिर एक्टिविटी करते हैं, उसको प्लान करते हैं। आई असूम कि ये जगह ऐसी नहीं है कि जहां पे हर वक्त पुलिस होती है या नहीं होती है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ये नहीं होता, तो आपको कैसा लग रहा है कैसे ये सॉफ्ट टारगेट तो मिला लेकिन कुछ तो तैयारी होगी, तो कैसे ये ट्रेंडम डिसाइड किया कि यहाँ हमला कर दिया जाए? कामरान साहब, ऐसा है, लाहौर पुलिस हर वक्त तैयार होती है। हमने बहुत सारे जो अटेम्प्ट हैं इनकी वो फाइल भी की हैं, हमने बेतहाशा दूसरे मेजर्स भी लिए हैं जिसमें टारगेट हार्डनिंग है, हमने अपनी तमाम वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट्स को प्रोटेक्ट किया है, स्क्वेयर किया है, हम ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम टारगेट्स जो ये कर सकते हैं, जिनको हिट कर सकते हैं, उनको हम स्क्वेयर करके बैठे हुए हैं। अपेरेंटली जो इस सारे इंसिडेंट से नजर आ रहा है कि वो डेस्परेशन में थे, किसी तरह पुलिस को हिट करना चाह रहे थे। ऑब्वियसली हमने काफी अर्से से उनको रोका हुआ था, उनके अटेम्प्ट फॉल की हुई थी, तो जब पुलिस उनको यहाँ पे डिप्लॉयमेंट पे नजर आई है तो उन्होंने यहाँ पे पुलिस को हिट किया है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस एक एक्टिविटी को प्रोटेक्ट कर रही थी, एक कवर दे रही थी, तो शायद इसी वजह से वो उनको ये आसान टारगेट लगा। अच्छा हैदर साहब, जाहिर है कि पंजाब में भी ये एंटी टेररिज्म ऑपरेशन हो रहे हैं, इसके अलावा ऑपरेशन रद्दुल फसाद भी चल रहा है पेरिफ्रीज में, यानी कि ट्राइबल एरियाज वगैरह में इंसिडेंट्स हो रहे हैं, FC वगैरह पे हुए, बलूचिस्तान में भी हुए, लेकिन डीप इंटू पंजाब लाहौर शहर में भी अब भी टेररिस्ट स्ट्राइक कर सकते हैं, कर रहे हैं, आपके तमाम इकदाम के बावजूद, रद्दुल फसाद के बावजूद भी कैसे ये मुमकिन हो रहा है? कहां से इनकी लाइफलाइन है जो अभी भी चल रही है कि लाहौर जैसे शहर में भी इस किस्म की एक्टिविटी हो जाए? कम से कम देखिए, हम इसमें लाहौर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो एफर्ट्स कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। उसमें हमारे कॉमिंग ऑपरेशंस हैं, हमारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, हमारे लायजॉन्स हैं विद मल्टीपल सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे स्नैप चैटिंग हैं, फैसिलिटेटर्स पे हम रेड करते हैं, जो इनके एक्टिव हाइड आउट अगर पता लगते हैं हमें तो उसके ऊपर हम रेड करते हैं, इनके हार्ड कोर सपोर्टर्स के ऊपर हमने रेड करते हैं, इनके नेटवर्क को हमने ब्रेक कर दिया। अब
इनिशिएटिव इनके हाथ में है, टारगेट की जो च्वाइस है वो इनके हाथ में है। जहां तक हो सकता है, जहां तक ये पिक्चर में आते हैं, जहां तक ये कैनवस में आते हैं, हम इनको हिट करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली उनको एक मौका मिल गया, तो आई बिलीव इसका बदला जल्दी ले लिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हैदर अशरफ, DIG ऑपरेशंस हमारे साथ थे। खबर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। हुकूमत सिंध पूरी कुव्वत से अपने मिशन पर जा रही है कि सिंध हुकूमत के मामलात से नैब को निकाल बाहर किया जाए। एक बार फिर मामला सिंध असेंबली में लाया जा चुका है, गवर्नर सिंध ने इसे पहले मुस्तरद कर दिया था। इसके साथ ही पुलिस के महकमे पर मुकम्मल भरपूर काबू किया जाए और ईमानदार और फर्शनाज पुलिस सरबराह AD ख्वाजा को जीरो कर दिया जाए। उस अमल पर भी, उस चीज पर भी मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ रही हुकूमत सिंध। इन मामलों पे बात करते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है, इतनी डेस्परेशन क्यों है, पूछ लेंगे एक वक्फे के बाद। वफाकी सतह पर सियासत में इंतशार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत सिंध में है, उससे लगता है, उसकी क्यादत को पता है कि सुनहरी मौका है, जो कुछ अब तक नहीं हो सका वो कर लें और तमाम अहदाफ पूरे कर लें, और इसके लिए तेजी से इकदाम हो रहे हैं। पहला सबसे करीदी इस वक्त जरूरत है हुकूमत सिंध की कि नैब को हुकूमत सिंध के मामलात से फारिग कर दिया जाए। वही नैब जिसके पास सैकड़ों इस वक्त तहकीकात है जिनका ताल्लुक हुकूमत सिंध की खरीदो फरोख से, करप्शन के मामलात से है। वही नैब जिसने हुकूमत सिंध के अफसरान से तकरीबन 3 अरब रुपए वसूल करके हुकूमत सिंध को वापस किए, करप्शन की रकम हुकूमत सिंध को वापस की, लेकिन हुकूमत सिंध का इसरार है कि वो नैब को यहां से फारिग कर देगी। इसके लिए सूबाई असेंबली ने जो बिल पेश किया था, गवर्नर सिंध ने उसे मुस्तरद किया, लेकिन उस मुस्तरद करने के बावजूद हुकूमत सिंध अब इस बिल को मंजूर करके एक कानून बनाने की पोजिशन में है जिसके जरिए नैब को हुकूमत सिंध से फारिग कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इसी मौके पर हुकूमत सिंध ने IG सिंध को एक अजू मुअत्तर बना दिया है। एक हफ्ते कबल AD ख्वाजा को इत्मीनान मिले बगैर पुलिस के पूरे ढांचे में तब्दीली की गई, उखाड़ पिछाड़ की गई, जिसके तहत 4 DIGs 5 additional IGs के तबादले भी कर दिए गए। ये पूरी सूरत हाल पे IG सिंध AD ख्वाजा ने वजीर आला सिंध के नाम खत लिखकर उनकी तवज्जो महकमे पुलिस में इन तकर्रियों तबादलों से पुलिस ढांचे में होने वाली तबाही की तरफ दिलाई है। और उन्होंने एक बहुत ही कलीदी खत लिखा है चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह को, जिसमें उन्होंने कहा है कि आला तरीन तबादलों में एतमाद में नहीं लिया गया, मुदाखलत से पुलिस तबाही की तरफ जा रही है। एपेक्स कमेटी सिंध ने IG को बाइख्तियार बनाने की बात की थी, लेकिन फैसलों पर अमल नहीं किया जा रहा। वजारत दाखिला के जरिए पुलिस अफसरान को खुली छूट दी गई, IG का कंट्रोल कम कर दिया गया। AD ख्वाजा ने सैयद मुराद अली शाह से कहा कि मुतअद्दिद पुलिस अफसरान पर महकमा दाखिला ने गैर जरूरी दबाव डाला जिससे डिसिप्लिन मुतासर हुआ है। AD ख्वाजा ने चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह से यह भी कहा कि इस तमाम सूरत हाल से अमन अमान पर असर पड़ सकता है, वजीर आला फौरी तौर पर मुदाखलत करे। और जैसे कि AD ख्वाजा ने अपने खत में लिखा कि जो आखिरी एपेक्स कमेटी हुई थी जिसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल खबर जावेद बाजवा खास तौर पर इस एपेक्स कमेटी में आए थे, उन्होंने खास तौर पर इस एपेक्स कमेटी के इजलास में इस बात पर जोर दिया था कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को बाइख्तियार बनाया जाए, पुलिस में डिसिप्लिन को इन्फोर्स करने के लिए IG सिंध को बाइख्तियार बनाना इंतहाई जरूरी है। मगर उसके बरक्स हुकूमत सिंध ने न सिर्फ ये कि IG सिंध को बाइख्तियार क्या बनाना, रहे सहे उनके तमाम इख्तियारात खत्म कर दिए, नैब को खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा कई और अहम बिल्स मंजूर किए जा रहे हैं सूबाई असेंबली से, जिससे लगता यह है कि मनपसंद कारोबारी ग्रुपों को ग्रुप्स को मराद दी जाए, हुकूमत सिंध की माली मदद फराहम की जाए। पूरी सूरत हाल में बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के मुमताज सीनियर सहाफी तजियाकार एडिटर जनाब अली काजी। बहुत बहुत शुक्रिया अली काजी साहब। ऐसा लगता है कि हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में जल्दी में है, और आपके ख्याल में ये इकदाम तो ये कर रहे हैं कलीदी इकदाम, इसकी बुनियादी वजह क्या है? कमल साहब, ये इसकी जो दोनों जो आपने बातें की, नैब के कानून ख़त्म करना सिंध में और IG सिंध को गैर मौसर करना, ये दोनों मामलात को आप जो मुल्की सियासत में इम्कानी हलचल है, जो आने वाले मुतवक्का मामलात हैं, उससे जोड़ के देखना पड़ेगा। ये सिंध में काफ़ी अरसे से एक सरगोशियाँ और ऐसे मामलात नज़र आ रहे हैं कि ये जिस तरह से 9.5 साल से सिंध की हुकूमती मामलात चल रहे हैं, ये शायद अब ना चल पाएंगे।
तो सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी के थिंक टैंक्स ये इम्कानी जो उनकी प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, वो उस इकदामात को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश हो रही है कि कल अगर नैब को एक्टिव किया जाता है सिंध में तो हम नैब को ही खत्म कर देते हैं, अगर आईजी सिंध के थ्रू कुछ मामला करना है तो आईजी हटाकर अपना आईजी लगा लेते हैं। ये दरअसल वो इम्कानी इकदाम जिनकी सरगोशियां और जिनके जिक्र फिक्र सिंध में गुज़श्ता दो ढाई माह से हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये दोनों इकदाम उसके लिए प्रीएम्प्ट किया जा रहा है, उनको रोकने की पहले से ये तदाबीर की जा रही हैं, वरना तो नैप 9.5 साल से चल रहा अच्छा, था। इस तरह से पुलिस के भी आपने, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है, लेकिन इस तरह से एक उसका दूसरा पहलू ये भी है कि ये प्रोवोक करने की भी एक कोशिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आर्मी चीफ ने आके जो बातें की हैं ये बातें उससे बिल्कुल उलट हैं, और फिर आईजी को जमीन पे बिठा देना, नैप को बिठा देना, ये एक तरह से जो सामने कुव्वतें हैं उनको प्रोवोक करने की, उनको चैलेंज करने की भी कोशिश है। कैमरन साहब, अब ये तो आपकी बात सही है कि इससे प्रोवोकेशन भी होती है, लेकिन होम मिनिस्टर की हम मिसाल ले लेते हैं कि सुहेल अनवर सयाल साहब को हटाया गया, आप और हम सब जानते हैं कि उस वक्त इधर लोकल जो ऑपरेशन करने वाली अथॉरिटीज थी ये उनका मूड देखकर, उनके इशारा देखकर हटाया गया था, लेकिन अब फिर लगा दिया गया। सो इस तरह के और बहुत से इकदाम ऐसे हो रहे हैं जिससे तासुर यही मिलता है कि वो प्रोवोक कर रहे हैं, लेकिन शायद पीपल्स पार्टी की आदत इस तरह सोचती है कि जब झगड़ा होना है तो हम भी अपनी सही मोर्चाबंदी कर लें। आप सही कहते हैं कि ये सियासी तौर पे हिकमत अमली दुरुस्त है या नहीं है, वो आपकी राय अपनी जगह, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, लेकिन पीपल्स पार्टी की आदत शायद ये सोचती है कि झगड़ा तो होना ही है तो क्यों ना हम भी अपनी तैयारी अच्छा कर लें। ये आप जो चेमगोइयां सरगोशियां सुनते हैं कि उसमें ये तो शामिल नहीं है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को हमारी जरूरत है या एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त हमें कन्फ्रंट नहीं कर सकती, वहां के हालात, इस्लामाबाद के हालात के हवाले से, इसलिए मौका अच्छा है अभी कर लो, अभी शायद एस्टेब्लिशमेंट हमें चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं है, क्या ये भी पहलू है कहीं? ठीक है, अगर ये पहलू होगा तो बहुत ही इतनी पुरानी खिलाड़ी है पीपल्स पार्टी वाले, उनको तो ये बात मेरे ख्याल में आप मुझसे तो बेहतर समझ में आती होगी कि ये राउंड वन इस्लामाबाद में खत्म होगा तो राउंड टू यहाँ शुरू होगा, तो अगर अभी वो किसी वजह से यहाँ पर बहुत तेजी नहीं भी है तो वो जल्द तेजी नजर आना शुरू होगी, और ये समझना कि अभी कर लो, देखें ना आज या कल अगर फिर दोबारा नैब का ये कानून पास करा भी लेंगे तो जाहिर है ये अदालतों में चैलेंज हो जाएगा, आईजी सिंध की मुकर्ररी जो है वो हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर पे चल रही है, तो इतने तो बच्चे अगर मैं कहूँ या इतने तो नए खिलाड़ी नहीं है, इनको भी मालूम है कि देर सवेर ये सिंध में मामला शुरू तो होने। बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे कि अली गाजी साहब कह रहे थे कि बच्चे नहीं हैं, ये सब जानते हैं कि राउंड वन इस्लामाबाद में है, राउंड टू सिंध में खेला जाएगा, बारी आएगी यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत की। कमर से ब्रेक, और उसके बाद मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत सिंध का फैसला कि नैब को फारिग कर दिया जाए और दूसरे कलीदी इकदाम, इस पर विफाक क्या सोच रहा है, और विफाक के नुमाइंदे गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद जुबैर हमारे साथ होंगे छोटे से वक्फे के बाद। आपने सुना सिंध हुकूमत की भरपूर कोशिश है और इसमें तकरीबन वो कामयाब हो चुकी है कि सिंध हुकूमत के मामलात से नैब का खात्मा कर दे, इसके लिए अक्सरियत की बुनियाद पे सिंध असेंबली से एक बिल मंजूर किया गया, कानूनी हवाले से वो पहुंचा गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद जुबैर के पास, क्योंकि उन्हें इस पर सिग्नेचर करने होते हैं, इसको कबूल करना होता है, इस पर साइन करने होते हैं, लेकिन उन्होंने कानूनी बुनियाद पर इसको मुस्तरद किया, और उसके बाद चारा ये था, रास्ता ये था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध की हुकूमत के पास कि उसको वो दोबारा असम्बली में ले जाए, और जो मौजूदा कानूनी सूरत हाल है अगर एक बार गवर्नर इस बिल को मुस्तरद कर देता है लेकिन दोबारा असम्बली उसको मंजूर कर लेती है तो वो कानून बन जाएगा। गोया के सिंध हुकूमत की, उसकी लीडरशिप की, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की ये ख्वाहिश के हुकूमत सिंध नैब के मामलात को अपनी पहुंच से आज़ाद कर दे, यानी कि सिंध हुकूमत तक की पहुंच से आज़ाद कर दे, इसमें वो कानूनी तौर पे या आईनी तौर पे शायद कामयाब तो हो जाए, लेकिन ख्याल यही है कि ये मामला अब जाएगा हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में, अदालत आलिया में, जहां पर ये चैलेंज होगा, फिर देखते हैं कि अदालत का इस बारे में
क्या रद्द अमल होता है, लेकिन ये वो मामला है जिसमें के तमाम निगाहें लगी हुई थी गवर्नर सिंह जनाब मोहम्मद जुबैर की जानेब के इस बिल को मुस्तरद करेंगे, जो उन्होंने किया, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल आईनी रास्ता अवेलेबल था, उस ऑप्शन को उन्होंने अप्लाई किया। क्या विफाक जिसका ये कानून है जिसको मुस्तरद कर दिया गया अब बेबस है, क्या विफाक अब कुछ नहीं करेगा ना कर सकता है, ये सब कुछ पूछते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद जुबैर। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, ये फरमाइएगा कि आपके पास इख्तियार था मुस्तरद करना, आपने मुस्तरद कर दिया, उनके पास इख्तियार है कि उसे दोबारा असेंबली में ले जाएं, वो ले गए हैं, एक दो दिन के अंदर ये दोबारा अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद विफाक का कोई इख्तियार नहीं है, विफाक नैब के मामले में फिर बेबस होगा। कामरान साहब ये बिल्कुल सही बात है, और पहले मैं ये बता दूं कि एज गवर्नर ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है कि गवर्नर को एक असेंबली से पास शुदा बिल वापस भेजना पड़े बगैर साइन किए हुए। ये मेरा ख्याल है कोई भी गवर्नर नहीं चाहता, और उसकी वजह ये है कि जाहिर है असेंबली ने पास किया और असेंबली रिप्रेजेंट करती है अवाम के जो ख्वाहिशात हैं उनको, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती है कि जिसमें, बट इसमें ऑप्शन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या वफाकी हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई था नहीं, और वो ये था कि इस मुल्क में और खासतौर पर आजकल के माहौल में जब JIT या पनामा और ये सारी चीजें बात हो रही हैं, बट उसको अगर मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक करप्शन के हवाले से एक बातचीत हो रही है और उस पर एक बहुत ही शदीद पोलराइजेशन भी है मुल्क में इस हवाले से, तो उसी के दौरान आप कोई सूबाई हुकूमत या असेंबली जो है वो नैब, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, बट वो वाहिद कानून है, वाहिद ऑर्डिनेंस है जिसके थ्रू आप रोकथाम करप्शन की जाती है, उसको इम्प्रूवमेंट करने की तो बातें होती हैं लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में तो कुछ भी नहीं है। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इतना एक सन 75 में कोई वाकया हुआ था या सन 80 में कोई वाकया हुआ तो उसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर रिजाइन भी कर दें, और दूसरी तरफ आप वो जो एक तलवार है ऊपर जो होनी भी चाहिए, एक चेक एंड बैलेंस, एक कंट्रोल और एंटी करप्शन का जो थोड़ा बहुत जो फोरम अवेलेबल है उसको भी अपने ऊपर से हटा दें, और फिर आपको कामरान साहब पता है एक पाकिस्तानी अवाम का परसेप्शन भी कोई इतना अच्छा नहीं है सिंध के हवाले से अमूमी तौर पर कि जी यहाँ करप्शन के हवाले से, तो खासतौर पर जो पेंडिंग केसेस हैं तो पेंडिंग केसेस को भी वो नैब का इख्तियार नहीं होगा, तो फिर कौन सा इदारा आएगा जो इस चीज को टेक ओवर करेगा। तो अब लेकिन एट द एंड ऑफ द डे विफाक के पास मजीद कोई इख्तियार नहीं है, अवाम या कोई और जो है वो इस मामले को अदालत में ले जाए, क्या वाकई विफाक खुद नहीं चैलेंज कर सकता, क्योंकि ये विफाक का कानून है, विफाकी मामलात है, इस तरह तो विफाकी कवानीन एक से एक एक करके कोई भी सूबा खत्म करता चाहे और इसको मिसाल बना के दूसरे सूबे भी नैब को फारिग कर दे, तो ये तो एक बहुत ही अनोखी और एक खतरनाक रविश नहीं शुरू हो जाएगी। जी बहुत खतरनाक, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि आपने कहा कि वफाक क्या करेगा, जाहिर सी बात है वफाक अपने ऑप्शंस देखेगा कि इसमें क्या कर सकते हैं, मैं अभी बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अभी तो बिल आया नहीं है दोबारा असेंबली में, कैबिनेट में डिस्कस हुआ है, इतवार के दिन डिस्कस हुआ था लेकिन अभी तक असेंबली में आया नहीं है, अगर आएगा उस वक्त हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, एक तो सबसे पहली चीज ये है कि हम कोई भी ये अच्छी कोई चीज नहीं है कि वफाक और सूबे के दरमियान कोई इस किस्म की कश्मकश हो और टेंशन हो और जिससे पूरे अवाम सूबे के भी और पूरे पाकिस्तान के भी परेशान हो कि ये हो क्या रहा है, सो एक तो हम वो तासुर नहीं देना चाहते, अभी भी हम चाहेंगे और कुछ ऐसी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें ये ना हो तो किसी के लिए भी एम्बेरसमेंट ना हो। तो क्या कोई इस सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं हुकूमत से, पीपल्स पार्टी से, बताना नहीं चाहूंगा, देखें बड़ा संजीदगी के साथ, एक हमारा जो एक मौकिफ है वफाक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम मान भी लेते हैं इस किस्म का बिल तो अल्टरनेट क्या है वो सेटिस्फाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी अगर हम ये नहीं करेंगे, आपको याद है केपी हुकूमत ने अपना एहतसाब, लेकिन नैब रखी गवर्नर साहब, उन्होंने नैब नहीं हटाई थी, नैब नहीं हटाई थी लेकिन उन्होंने कहा था कि एहतसाब कमीशन, वो एक और बात है कि एहतसाब कमीशन वो इतना इफेक्टिव रोल नहीं प्ले कर सका वहां, बट पॉइंट ये है कि अगर
ये कोई ऑप्शन हो। लेकिन और दूसरी बात, मैं कामरान साहब आपको एक और बता दूं जो आपके नाज़रीन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नया अकाउंटेबिलिटी बिल जो है जो नैब को रिप्लेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तकरीबन तमाम मराहिल पूरे कर चुका है नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी में, और उसमें एक या दो लास्ट की मीटिंग्स, वो आप रस्मी तौर पर जो मीटिंग होती है वो होनी है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं नेशनल असेंबली में, वो तकरीबन मुत्तफिक है, 99% मुत्तफिक है मैं तो ये कहूंगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वहां अगर हम अटेंड करके जोर दें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जी उसकी जल्द से जल्द मराइल कंप्लीट हों और एक नया अकाउंटेबिलिटी लॉ आ जाए, ताकि पाकिस्तान के अवाम को भी सेटिस्फेक्शन हो कि जी ये जो कमिटमेंट्स तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने की थी बशमूल हुकूमत हुकूमती पार्टी ने कि जी हम नया अकाउंटेबिलिटी बिल लाएंगे, तो मेरा ख्याल है सारा फोकस उधर होना चाहिए बजाय कि अभी इन द मीन टाइम नैब को उठा के अपने गले से हटा दें, और साथ में हम ये भी कहें कि जी उसी ऑर्डिनेंस के तहत जो बाकी सूबों में केसेस चल रहे हैं वो चलते रहे। अच्छा, यहाँ पे सिंध में एक और मामला भी है ना गवर्नर साहब, आई नो के डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनली आपका वो नहीं, लेकिन बहरहाल सिंध गवर्नर है, यहाँ पुलिस के साथ भी जो कुछ हो रहा है, जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के साथ जो कशमकश चल रही है, उस हवाले से जो बिल्कुल उनको साइडलाइन कर दिया गया है, जीरो कर दिया गया है, ये भी तो एक कैफियत है ना कि इतना कलीदी इदारा है, सिचुएशन है, और उसमें जो है वो ये सूरत हाल है जो देखने में आ रही है, पूरा पावर जो है वो इंटीरियर जो होम मिनिस्टर है उनके पास हो गया है जी। एक इसमें एक और चीज भी मैं आपको बता दूं कि जब वो तीन नाम हमें भेजे गए थे वफाकी हुकूमत को आईजी पुलिस लगाने के लिए सूबाई हुकूमत ने, तो वफाक ने उस पर ये कमेंट करके भेजा था कि क्रेडिबल नाम आप भेज दें, और वो बात वफाकी हुकूमत की हाई कोर्ट ने भी एक्सेप्ट की है। तो ये सूरत हाल खास तौर पर इस वजह से ज्यादा तश्वीशनाक इसलिए है कि एक इदारा जो कि इतना उसकी इम्पोर्टेंस है और उसको बिल्कुल पावरलेस कर दिया जाए, बिकॉज अगर हेड ही पावरलेस होगा तो ये खुदा ना खासा ऐसा माहौल दोबारा क्रिएट करने में उसकी तरफ ना जाए। तो एक तश्वीशनाक बात है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिजॉल्व करें। अच्छा गर्ज साहब, ये बताइएगा आपने ये साइन नहीं किया था जो नैब का बिल था, लेकिन एक और बिल भी जिसमें हुकूमत सिंध ने कहा था कि वो खुद सब्सिडी देगी कुछ प्राइवेट पावर्स के जो इंस्टीट्यूशंस है उनको, जो ये प्राइवेट पावर बनाने वाले हैं उनको, और ये भी एक बड़ा एक एक्सेप्शनली अनहर्ड चीज थी, इसको भी मुस्तरद किया आपने, वो क्यों किया? बिल्कुल, ये उसकी भी वजह वही थी कि एक तो देखें जो भी बिल पास हो और हमारे पास आए उसमें ट्रांसपेरेंसी हम 100% इंश्योर करना चाहते हैं कि एक तरफ तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम करप्शन की बात कर रहे हैं, कोई और बात ही नहीं करते सिवाय पनामा के, एज इफ हम करप्शन के खिलाफ जिहाद करने के, और दूसरी तरफ हम इतनी मासूमियत से ऐसी चीजें करते हैं जिस तरह ये कैप्टिव पावर का जो बिल था जिसमें कुछ मखसूस ओनर्स को बेनिफिट होने का था और फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आज बिल पास होता तो वो 10 साल तक चलता रहता पेमेंट्स, और फिर उसके बाद 10 साल में भी दोबारा बिल असेंबली में नहीं जाना, वो नोटिफिकेशन से एक्सटेंड हो सकता था अनदर 10 इयर्स। तो मेरा ख्याल है वो तो बहुत ही ज्यादा एक हमारे तहफजात उस पर रहे और हमने उसको रिजेक्ट करके वापस भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर सिंह, जनाब मोहम्मद जुबैर हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज हेडलाइन भी देख लें और फिर वापस आते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ। इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के हिजब इख्तलाफ के कई रहनुमा बारहा ऐलान कर चुके हैं, बारहा दावा कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आने वाला है जिसके तहत सबसे पहले वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ नाहिल करार पाएंगे, उसके बाद उनके पूरे खानदान के खिलाफ करप्शन का मुकदमा चलेगा, जनाब नवाज शरीफ पर भी करप्शन का मुकदमा चलेगा, बल्कि पीटीआई के कई रहनुमा जिनमें इमरान खान भी शामिल हैं वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाएगा और इसके फौरन बाद जनाब नवाज शरीफ को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा और उनकी अगली मंजिल अडियाला जेल होगी। चले अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा ही फैसला आ गया, जनाब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दे दिया कि वो सादिक और अमीन नहीं है, उन्हें सियासत के लिए नाहिल करार दे दिया, उन्हें वजारत उज़्मा से हटा दिया, तो क्या होगा? क्या वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम सियासत से फना हो जाएगा
क्या शरीफ खानदान का नाम सियासत से फना हो जाएगा? चले फना ना हो, क्या कमजोर हो जाएंगे? क्या इंतहाई कमजोर हो जाएंगे? सन 2018 में उनका और उनकी जमात का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, इमरान खान के लिए रास्ता खुल जाएगा और जनाब नवाज शरीफ भी किस्सा पारीना बन जाएंगे। इसका जायजा लेना चाहते हैं हम, क्योंकि तारीख हमें कुछ और बता रही है कि तारीख तो ये बता रही है कि नाहल करार देने के बाद या सजा याफ्ता होने के बाद नवाज शरीफ क्या पाकिस्तान का हर सियासतदान मजबूत बनकर सामने आया है, और एक भी ऐसा वाकया नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है। तारीख गवाह है कि नाहल करार देने के बाद नवाज शरीफ मजलूम बनकर सियासी तौर पर पहले से ज्यादा ताकतवर बन के उभरते हैं। अब तक तो ऐसे हुआ है, आइंदा ना हो तो हम नहीं कह सकते। अब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद या उनका सियासी जानशीन पूरी कुव्वत से उभरेगा, ये बाद मुबसरीन का ख्याल है कि मजलूम वो बन जाएंगे, उसके बाद वो उनकी कुव्वत में बेपनाह इजाफा होगा। अगर वो कानूनी तौर पे सियासत नहीं भी कर सके लेकिन उनका जानशीन जो होगा वो उसको कोई फिर सामने नहीं आ पाएगा, वो बहुत ही कुव्वत से सामने आएगा। पाकिस्तानियों को 40 साल बाद भी, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को 40 साल बाद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी हजम नहीं हो सकी है। पाकिस्तानियों को क्या हुई, जिस अदालत ने वो फांसी दी थी उसको भी हजम नहीं हुई और जिन लोगों ने फांसी कराई उनको भी हजम नहीं हुई। करप्शन मुकदमा में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को पहले से ज्यादा बल्कि इंतहाई मजलूम शख्स की हैसियत से उनका इमेज बनाया और फिर वो भरपूर सियासी लीडर बने और फिर वो जाहिर है कि पाकिस्तान के सदर रहे 5 साल। चलें बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब की। जनाब नवाज शरीफ साहब को आपको याद होना चाहिए, तैयारा साजिश केस में जहाज को अगवा करने के जुर्म में 2 बार उम्र कैद दी जा चुकी है और पाकिस्तान की अदालत ने दी है, हाई कोर्ट ने दी है, इससे बढ़ के तो कोई सजा नहीं हो सकती। जहाज अगवा किया है और उस जहाज अगवा करने में सजा हो गई, 2 बार उम्र कैद उनको हुई है, उसके बाद उनको मुल्क से निकाल बाहर किया गया और वो मुकम्मल तौर पे जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि वो तारीख का हिस्सा बन गए हैं, वो फारिग हो गए हैं। और आज भी कौम को अच्छी तरह से याद है कि ये तैयारा अगवा केस चलता था, नवाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ियों में जेल कोर्ट में लाया जाता था और वो मनाजिर और वो गुफ्तगू आज भी कौम को भूल जरूर गई है लेकिन याद रखना चाहिए। I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort to prevent any further destabilization. तैयारा साजिश केस में मियां नवाज शरीफ को हाईजैकिंग और दहशतगर्दी के इल्जामात पर उम्र कैद और तमाम जायदाद की जब्ती की सजा सुनाई गई है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर 10 नवंबर 1999 को जनरल मुशर्रफ ने तैयारा साजिश केस कायम किया था। 6 अप्रैल को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज रहमत हुसैन जाफरी ने माजूर वज़ीर आज़म को 2 मरतबा उम्र कैद और तमाम जायदाद बहक सरकार जब्त करने का हुक्म सुनाया था। सिंध हाई कोर्ट ने भी अपील हुई थी और उसने मुस्तरद करके जनाब रहमत हुसैन जाफरी की सज़ा को बरकरार रखा था। गोया के सिंध हाई कोर्ट ने भी कहा था कि जनाब नवाज शरीफ को उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। दूसरी जानब 22 जुलाई को सन 2000 में अटक के किले में एहतसाब अदालत के उस वक्त के जज फारूक लतीफ़ ने जनाब नवाज शरीफ को हेलीकॉप्टर केस के रेफरेंस में 14 साल कैद बा मशक्कत सुनाई थी और 21 साल के लिए किसी भी अवामी और सरकारी अहदे के लिए नाहली की सज़ा सुनाई थी। तो ये पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पहली बार नाहली की सज़ा नहीं आने वाली अगर आ रही है, इससे पहले वो 21 साल के लिए सियासत से नाहल हो चुके हैं और वो बाकायदा एक निचली अदालत में मुकदमा चला के फैसला हुआ था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालती फैसलों की बुनियाद पर 2008 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सके क्योंकि सियासत के लिए नाअहल थे, उनके खिलाफ सज़ा हो चुकी थी तैयारा अगवा करने की केस में। लेकिन जब वक्त पलटता है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजरसानी की पटिशन दायर की और 17 जुलाई 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने, उसी सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी पहले सुप्रीम कोर्ट ने जनाब नवाज शरीफ के तख्ता उलटने को जायज करार दिया था, जनरल मुशर्रफ के हर लफ्ज़ को कानून करार दिया था, उसी सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई 2009 को तैयारा साजिश केस में शवाहिद और सबूत ना मिलने पर जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया था। और जनाब नवाज शरीफ का बरी हो जाना ये एक अमल था और उसके बाद अब तारीख है कि वो
पाकिस्तान के तीसरी बार वजीर आजम है, 4 साल पूरे कर चुके हैं, 5वां साल के हवाले से अब इबाम बाकी है। देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, कितने कमजोर हो जाएंगे जनाब नवाज शरीफ अगर सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार देती है, और क्या उनकी सियासी कुव्वत मध्यम पड़ जाएगी, किस्से पानीना बन जाएंगे। ये सब कुछ पूछते हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी तज़ज़ियाकार और बहुत ही तजुर्बेकार एनालिस्ट जनाब सलीम साफ़ी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, इतनी लंबी मैंने अपने तौर पे गुफ्तगू कर दी है। आप क्या उन लोगों में शामिल हैं कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ सियासत से नाहल करार दे दिए जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है, एक सियासी जमात तो बता भी चुकी है कि यहाँ से वडियाला जाएंगे और फिर ये तमाम चीज़ें, लेकिन कितने कमज़ोर हो जाएंगे, फला हो जाएगा नवाज शरीफ का नाम सियासत से कि सुप्रीम कोर्ट में सजा पा गए? देखिए कामरान साहब, अगर तो वो अदालत से नाअहल करार पाते हैं और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट अगर इस स्टेज पे उनको नाअहल करार देती है, तो एक वक्ती तौर पर धचका तो यकीनन होगा उनकी जमात को भी और उनकी हुकूमत को भी और उनकी ज़ात को भी। लेकिन ये जो दूसरा लफ्ज़ है कि क्या वो पनाह हो जाएंगे या उनकी सियासत पनाह हो जाएगी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। बल्कि माजी का सबक यही है कि जब भी इस तरह के, एक तो वो होता है कि जब आवाम इलेक्शन में मुस्तरद कर दे, इसके अलावा सियासी लीडरों को जिस भी दूसरे तरीके से आउट करने की कोशिश की गई है, तो तारीख का सबक ये है कि कुछ अरसे बाद वो उससे भी ज़्यादा कुव्वत के साथ दोबारा मैदान में आए हैं और इख्तदार तक आए हैं। हमारे सामने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तो दूसरा मामला था और उनका नाम पाकिस्तान की तारीख में ऐसा अमर हो गया कि आज भी पीपल्स पार्टी उसके नाम पे सियासत कर रही है। लेकिन ख़ुद अगर मियां नवाज शरीफ साहब को हम ले लें, तो इसमें तो वो नाअहल हो जाएंगे या उनका ट्रायल कोर्ट की तरफ मामला चला जाएगा, जिसका आपने भी जिक्र किया कि 99 में न सिर्फ ये कि उनको उम्र कैद, डबल उम्र कैद की सज़ा भी हुई, उनकी पूरी जायदाद की जब्ती की भी सज़ा हुई, और उस वक़्त मियां नवाज शरीफ साहब ने सियासी तौर पर भी कमज़ोरी दिखाई थी वो मुआहिदा करके, और पाकिस्तानी कौम सियासी क़ियादत की बुजदिली को पसंद नहीं करती। लेकिन इन सब कुछ के बावजूद हमने देख लिया कि वो मियां नवाज शरीफ कुछ अरसे बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर की मनसब पे बैठ गए, और वो जनरल मुशर्रफ जिन्होंने उनको किस्सा पारीना करार दिया था, आज वो पाकिस्तान के अंदर भी नहीं आ सकते, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में किसी भी सोसाइटी में और बिलखसूस पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में सियासी क़ियादत को अदालती फ़ैसलों से या फिर गैर जमहूरी इकदामात से, यानी दोनों में कोई मुवाजना नहीं है, लेकिन उनको आउट नहीं किया जा सकता। अच्छा साहब, साहब ये बताइएगा कि क्या ये बात जो आप और मैं कह रहे हैं, ये कोई शायद रॉकेट साइंस तो नहीं, इमरान खान की समझ में नहीं आ रही कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट से अगर वो नाहल करार दे दें तो सियासी तौर पे इमरान खान को उसका फायदा नहीं होगा? ये एक अलग बात है कि उनका भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बिल्कुल वही इल्जाम है, वही तमाम केसेस है, पता नहीं खुद भी नाहल करार ना दे दे, लेकिन ये पूरा जो मामला है ये इमरान खान की समझ में नहीं आ रहा, उनकी क्या हिकमत अमली है? एक तो खान साहब ये कि ये इकतदार की लालच ऐसी चीज होती है कि उस दौरान किसी को समझ नहीं आता। मसलन माजी में खुद मियां नवाज शरीफ साहब ये कोशिश कर रहे थे कि कभी सुदूर के ज़रिए, कभी मिलिट्री के ज़रिए और कभी अदालतों के ज़रिए बेनज़ीर भुट्टो को और पीपल्स पार्टी को आउट करे। तो उस वक़्त ये चीज़ मियां नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रही थी कि इस तरीके से मैं अपने सियासी हरीफ को दायमी तौर पर आउट नहीं कर सकता। इसी तरह आपने देख लिया कि पिछली हुकूमत में जब गिलानी साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया या उससे पहले मेमो के मामले में खुद मियां नवाज शरीफ साहब भी अदालत चले गए काला कोट पहन के, और अब पीपल्स पार्टी भी उनसे ये कर रही है। तो एक तो ये कि जिस तरह अभी इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रहा कि इस तरीके से आप सियासत नहीं जीत सकते, बल्कि वो इतनी जल्दी होती है इख्तदार के ख्वाहिशमंद सियासतदानों को। लेकिन अब के बार तो मुझे लगता है कि मामला ऐसा हो गया कि खुद ये पूरी क़ियादत ने अपने गले के पंदे वो दे दिए किसी और के हाथ में। मसलन जब इस मामले को अदालत ले जाया जा रहा था तो उस वक्त मैंने एक आर्टिकल में भी उस शेर का हवाला दिया था कि मगज को बाग में जाने न दीजियो कि ना हक खून परवाने का होगा। अब जो आर्टिकल 62-63 है, मैं तो माजी में भी उसके खिलाफ कई आर्टिकल लिख चुका हूँ कि ये अल्लाह ही फैसला कर सकता है कि कौन पारसा है,
कौन समझदार है, कौन दीन का खातिर खा इलम रखता है, और अगर उसका उसके अल्फाज की रूह की मुताबिक इतलाक़ होता है तो फिर तो इस मुल्क में कोई नहीं बचता। इसलिए अब जब ख़ुद सियासतदान खान साहब भी मियाँ साहब का मामला ले गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि वो 62 के आर्टिकल के तहत उनको परखे, अब उन्होंने खान साहब के बारे में रुजू कर लिया है, और मेरे ख्याल में अगर अदालत उसकी रूह के मुताबिक उसका इतलाक़ करती है तो न जरदारी साहब बचते हैं, न खान साहब बचते हैं, न नवाज शरीफ साहब बचते हैं, और न कोई और बचता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलीम साफ़ी हमारे साथ है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं कि कहने वाले कहते हैं कि अगर वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया तो शायद उनका वो अकामा सामने आए जो उन्होंने दुबई में हासिल किया था, लेकिन अब इतलात सामने आ रही हैं कि कई सियासतदानों के ऐसे अकामे हैं, सिंध के वज़ीर दाखिला का नाम इसमें आ चुका है, और लोगों के नाम आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में कई बड़े कलीदी नाम हैं जिनके पास अकामे हैं और पार्टियों में भी है। सिर्फ अकामा ही केस ऐसा है कि अगर इसको अप्लाई कर दिया गया पूरी पार्लियामेंट पे तो एक तहलका मच जाएगा। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इम्कानी नाहली से पूरी पाकिस्तानी सियासत में तहलका मच जाएगा। तहलका महज इस बात से नहीं बनेगा मचेगा कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, बल्कि तहलका इस बात से भी मचेगा कि ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म सादिक और अमीन नहीं होना करार पा रहा है और उसको उसके ओहदे से अलहदा किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ यही मामला नहीं है, इसके असरात होंगे, क्योंकि जिस पैमाने पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोला जा रहा है या जिस पैमाने पर उनकी स्क्रूटनी हो रही है, एहतसाब हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे और जाहिर है कि ये मुतालबा बहुत ज़ोर पकड़ेगा कि फिर हर मुतमविल पाकिस्तानी का या कम अज़ कम हर पाकिस्तानी सियासतदान का इसी अंदाज का एहतसाब होना चाहिए। अभी तो इसका फैसला आना बाकी है मगर इसके असरात आने शुरू हो गए हैं जो आने वाली आंधी का इशारा कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बारे में तो ये इंकशाफ हो गया और ये कहा जा रहा है कि शायद इसी बुनियाद पर उन्हें वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया जाए या उन्हें सादिक और अमीन नहीं होना करार दे दिया जाए कि उन्होंने कैपिटल FZE कंपनी के चेयरमैन की हैसियत से मुत्तहिदा अरब इमारात का अकामा ले रखा था। तमाम माहिरीन कहते हैं कि अगर JIT की तर्ज की तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया तो फिर शायद ही पाकिस्तान की कोई बड़ी सियासी जमात बचेगी जिसके कलीदी रहनुमा इस चक्कर में ना फंस जाए और इसी किस्म की सूरत हाल से ना दो चार हो जाए। गोया के तहलका मच जाएगा अगर इसी नौयत की तहकीकात पाकिस्तान के पार्लियामेंट के तमाम अराकीन की होने लगे। लेकिन अभी हम फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा मामला यानी अकामा जो कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सामने आया है। इसके हवाले से उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है लेकिन जैसे कि मैंने कहा अभी इब्तिदा हुई है। स्वेन अनवर सयाल ने सन 2014 में सेल्स कंसल्टेंट का अकामा लिया हुआ है यानी कि मौसूफ यहाँ के वज़ीर दाखिला भी रहे और मुत्तहिदा अरब इमारात में सेल्स कंसल्टेंट भी रहे। सबक वज़ीर इत्तला सिंध के शर्जील मेमन के पास 2013 से हासिल है अकामा मार्केटिंग मैनेजर का। वसूफ यहाँ पे वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात भी सिंध में थे लेकिन सिंध के वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात 2013 से दुबई की किसी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर भी हैं। कहा यह जाता है कि ये सिर्फ इब्तदा है, पीपल्स पार्टी की चोटी की लीडरशिप क्या, दूसरी सियासी जमातों के दूसरे रहनुमा क्या, सबके पास अकामे हैं और अगर अकामा ही इस बात की बुनियाद बन गया कि ये डिक्लेयर नहीं हुआ और वो कानून के तमाम तकाजे जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए अप्लाई किए जा रहे हैं इन तमाम हजरात पे अप्लाई किए गए तो क्या होगा। असल में मामला ये है कि ये सादिक और अमीन का मामला है। पनामा केस की समाअत करने वाली 5 रुकनी बेंच के सरबराह जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने केस के इब्तदाई समाअत के दौरान अपने बड़े कलीदी रिमार्क्स में कह दिया था किसी कानून की ऐसी तशरीह नहीं करेंगे कि सब इसकी जद में आ जाएं। अगर आर्टिकल 62 और 63 पर लोगों को नाहल किया तो सिराजुल हक के सिवा कोई नहीं बचेगा, ये जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा कह चुके हैं। पाकिस्तान के किसी भी मौकर कानूनदान से पूछ ले, सीनियर सियासतदान से पूछ ले, वो कहते हैं कि आर्टिकल 62 और 63 के हवाले से
कोई भी शख्स शायद पाकिस्तान में इसकी रूह के मुताबिक सादिक और अमीन करार नहीं पाएगा। इंतहाई मौकर बावकार साबिक कानूनदान, साबिक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जनाब जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद ने जुमरात को हमारे प्रोग्राम में इस पर बहुत स्ट्रेस किया, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो उन्होंने की। देखें, हमने ये जो बना दिया था आर्टिकल 62 वगैरह सादिक और अमीन, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इसको फोर्सफुली एनफोर्स किया जाए तो हम में से कोई भी सादिक और अमीन नहीं होगा। हमने कोई ना कोई गुनाह तो किया होगा, हमने झूठ बोला होगा कहीं ना कहीं, हमने कोई अपने हालात देखते हुए, अपने इंटरेस्ट देखते हुए कोई ऐसे फैसले किए होंगे। तो अगर स्ट्रिक्टली उसको अप्लाई किया जाए तो कोई भी शायद सादिक और अमीन ना हो। ये बात जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद नहीं सब कह रहे हैं और अब अखबारात में भी बात आ रही है, पब्लिक ओपिनियन लीडर भी कह रहे हैं और आम पाकिस्तानी भी हमने शहरों में पूछा है, वो कहते हैं कि अगर इंतसाब नवाज शरीफ का हुआ है तो सबका हो तो मज़ा आए, वरना तो लगता है कि ये एक टारगेटिंग हो रही है। अखबार डॉन ने कर अपने एडिटोरियल में इंतसाब के अमल के बारे में एक बहुत अच्छा इदारिया लिखा और अखबार डॉन का कहना है कि ये ठीक है कि इंतसाब का अमल नवाज शरीफ से शुरू हुआ लेकिन इसे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। पीटीआई और मुस्लिम लीग नून की तरह सियासी पार्टियाँ तो सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन का इंतसाब चाहती हैं। पनामा केस जो भी फैसला है इसमें ऐसे उसूल तय होने चाहिए जो एहतसाबी अमल को दीगर सियासी जमातों और सरकारी महकमों तक फैला दे, गोया एहतसाब होना है तो फिर सबका हो जाए और बिल्कुल वैसे ही हो जैसा कि नवाज शरीफ का हो। लेकिन अभी ये अमल शुरू होगा, फैसला आएगा इसके बारे में, अभी तो सिर्फ अकामा का मामला है और अकामा ही ने तहलका मचाना शुरू कर दिया है और जैसा कि मैंने कहा आने वाले दिन इस सिलसिले में बहुत अहम होंगे। पूरे मामले में बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बार फिर पाकिस्तान के नामवर माहिर कानून बैरिस्टर डॉक्टर फरूख नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया। ये सिर्फ अभी अकामा का काम शुरू ही हुआ है और नाम धड़ाधड़ आने शुरू हो गए, वही पैमाना वही क्राइटेरिया जो पार्लियामेंट के रुकन जनाब नवाज शरीफ पे अप्लाई हुआ वही तमाम अराकीन पार्लियामेंट पर होगा कि आपने इसका कितना डिक्लेरेशन किया इस हवाले से, आपने क्या मतलब वही पैमाना होगा जो जनाब नवाज शरीफ के लिए है या वजीर आजम के लिए अलहदा है, मेंबरान पार्लियामेंट के लिए अलहदा है? जी बिल्कुल वही पैमाना होगा, आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये कहता है इक्वालिटी होनी चाहिए ट्रीटमेंट में। तो जो नवाज शरीफ साहब के जिस पराए में एहतसाब हुआ है और हो रहा है, चाहे वो इकामा हो, चाहे वो JIT हो, चाहे उनके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हो या कुछ भी हो, तो वही पैमाना सब के लिए है। और चाहे मैं हूँ, आप हूँ, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, PTI हो, नून लीग हो, काफ लीग हो, एफ लीग हो, सबको उसी पैमाने में उतरना है और उतरना चाहिए, नहीं तो गुड बाय गॉड ब्लेस यू करके खुद चले जाए, नहीं तो अदालत उनको डिस्क्वालीफाई कर दे। लेकिन ऐसा कोई अमल तो हो नहीं रहा, JIT इस अंदाज की इस किस्म की तहकीकात तो किसी पार्लियामेंट के रुकन की नहीं हो रही और अब ये अकामे वगैरह सामने आ रहे हैं, तो ये फिट केस है इस किस्म के मामलात में प्रोसिक्यूशन का या इनके खिलाफ एक्शन का या सादिक और अमीन के हवाले से? जी बिल्कुल 100% वही केस है, कोई उस केस में और इस केस में फ़र्क नहीं है। मैं थोड़ा सा UAE की लॉज को समझता हूँ, इस तरह की बात है कि जहाँ भी वहाँ आदमी अप्लाई करता है, कहता है कि हम फला फला UAE की कंपनी में मुलाजिम है और वो वहाँ से सैलरी बाकायदा तौर पे इनके बैंक अकाउंट्स में आती है जो भी एप्लीकेंट होता है अकामा का, और उसकी बेसिस पे वो ये कहते हैं अकामा ले लेते हैं। अब इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक एस्पेक्ट तो ये है कि आपने एक्चुअली सैलरी ली और अपने जो डिस्क्लोजर था, जो ECP का डिस्क्लोजर था, उसके अंदर शो नहीं किया कि आप सैलरी ले रहे हैं। फिर साथ साथ एक कॉलम है ECP में, वो ये पूछता है उसके फॉर्म में ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या है? जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फॉर्म है, उस फॉर्म में वो ये पूछ रहे हैं आपका प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन में जैसे अगर इन्होंने जैसे नवाज शरीफ साहब ने लिखा था कि मैं पॉलिटिशियन हूँ और एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं सैलरी भी ले रहा हूँ फलां फलां जगह से। अब इसी तरह यहाँ चाहे वो मुराद अली शाह साहब हों या सयाल साहब हों या शर्जील साहब हों, इन्होंने
इनका ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या ये डिस्क्लोजर किया है कि हम फला फला यूएई की कंपनियों से सैलरी ले रहे हैं, और अगर इन्होंने डिस्क्लोजर नहीं किया तो फिर तो ये उस सादिक और अमीन की वाली कैटेगरी में ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने फरमा दिया, लेकिन जैसे कि अभी आपने सुना जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब फरमा रहे थे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा इस फैसले की समाअत के दौरान कई बार फरमा चुके हैं कि 62 और 63 एक ऐसी शिक है कि इसमें अगर हमने किसी को भी डाला इस मशीन के अंदर तो उसका बच के निकल जाना मतलब एक ओवरऑल बात है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये 62 और 63 की जो तारीफ है उस स्क्रूटनी से आपके ख्याल में क्या कोई ऐसा तरीक़ेकार तजवीज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट जिसमें फिर पार्लियामेंट के तमाम अराकीन को कम अज कम इसमें डाला जाए? अखबार डॉन तो कहता है कि इदारों को भी इसमें डालना चाहिए, लेकिन ये कि इसकी गुंजाइश बनती है क्योंकि सिर्फ एक शख्स पे हो और उसका भी सिर्फ वजीर आजम पे उसका इतलाक हो जाए, मगर वही मामलात अगर अकामे के मामलात, मिस डिक्लेरेशन के मामलात, असासों के मामलात, मनी ट्रेल के मामलात दूसरे पार्लियामेंटेरियंस के भी हैं तो इतलाक तो फिर सब पे होना चाहिए, कोई ऐसा निजाम तरतीब दिया जा सकता है? जी, और देना चाहिए। कमल साहब देखिए, एक तो आर्टिकल 25 मैंने आपके सामने रखा, एक 1996 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक जजमेंट है हमीद अख्तर खान नियाजी का, 96 SCMR 1185, वो ये कहता है कि अगर किसी एक फरीक के साथ, किसी एक आदमी के साथ एक कोई एक तरह का फैसला हो तो बाकी तमाम लोग जो कि उसी तरह की पोजीशन में हैं उन सब के साथ भी वही फैसला होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल, चाहे इस केस में कोई क्राइटेरिया ले डाउन करें, कोई ऐसे ही कोई JIT बना दें कि सारे के सारे, हम हो, आप हो, कोई हो, वो जाएं अपने डिक्लेरेशंस दें, आप बताएं कि आपके पास एसेट्स क्या हैं, इकामे क्या हैं, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या है, क्या डिक्लेयर किया नहीं किया, होना तो चाहिए। गोया वो सवाल नामा जो JIT नवाज शरीफ साहब पे सर्व कर रही थी या शहबाज शरीफ साहब पे सर्व कर रही थी, उसी नौयत का सवाल नामा जो है और उसी किस्म के जो स्क्रूटनी है वो तमाम मेंबरान पार्लियामेंट की होनी चाहिए, फिर 100% होनी चाहिए। मैं इसको भरपूर तरीके से आपके इस प्रोग्राम में सपोर्ट करता हूं और अल्लाह करे ऐसा हो ताकि ये जो गंद बला है पार्लियामान से ये खत्म हो जाए, चाहे वो MQM की हो, चाहे MQM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, एक्स हो, वाई हो, कोई भी हो, कोई भी हो, बहुत एक्स हो, वाई हो, जेड हो, आई डोंट केयर, और ये होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे यही उम्मीद थी। बैरिस्टर डॉक्टर फरोख नसीम हमारे साथ थे। 62-63 का इतलाक एक बार हो जाए, वजीर आजम पाकिस्तान पे हो जाए, चाहे जनाब नवाज शरीफ पे हो जाए, और उसके बाद जनाब फरोख नसीम कहते हैं कि इसका इतलाक सब पे करना होगा। ये कानून और आईन और इंसाफ इस बात का तकाजा करता है कि यही सवाल लामा जो है वो पार्लियामेंट के तमाम अराकीन को दिया जाए तो फिर मज़ा आएगा, फिर होगा एहतसाब। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। आज सस्पेंस ख़त्म हो जाता है कि चौधरी निसार अली खान अपने और हुकूमत के वज़ीर आज़म के दरमियान ताल्लुकात के बारे में क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने की मगर इस मौजू पर बात नहीं की और उसकी वजह लाहौर का वाक़िया है। यही तवक्के थी आज के दिन इस वक्त पे कि जनाब चौधरी निसार अली खान सियासी मामला पे बात नहीं करेंगे। यहाँ भी उन्होंने अपना वही रिवायती किरदार दिखाया है। ख्याल ये है कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी देंगे शायद इस कड़े वक्त में, मुश्किल वक्त में जनाब नवाज शरीफ का साथ ना छोड़ें, लेकिन लगी लिपटी रखते नहीं, वो बातें ज़रूर करेंगे। खबर से ब्रेक के बाद बात करेंगे। आज सुबह ही ऐलान हो गया था कि वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान अपने और हुकूमत के ताल्लुकात के हवाले से सस्पेंस खत्म कर देंगे। आज शाम 5 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। ठीक 5 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दाखिल हुए और फौरी तौर पे उनके लिए इंतजाम किया गया क्योंकि उनका फैसला ये था कि वो खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अपनी कब्र की तकलीफ की वजह से वो बैठ के इस अंदाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। उन्होंने ठीक 5:05 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया, लेकिन उससे आधे घंटे पहले खबर आ गई थी कि लाहौर में एक बड़ा धमाका हो गया है, खुदकुश हमला है और जनाब चौधरी निसार अली खान ने जैसा कि तवक्को थी फौरी तौर पर अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकसद को एक जानिब रखा और उन्होंने सिर्फ लाहौर के वाकई की बात की और उन्होंने कहा कि फिर किसी रोज़ वो इस मामले में बात करेंगे। जनाब चौधरी निसार अली खान का हमेशा से एक किरदार रहा है, रास्त किरदार है और आज के हवाले से भी उन्होंने उसी का सबूत दिया। मेरे नज़दीक मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम थी, उसमें शायद इतनी लंबी ना होती मगर
बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी थी। इस वाक़े के बाद मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए कि मैं सियासी मामलात पर इजहार ख्याल करूँ। मेरा ख्याल है आप सब मुझसे इत्तफाक करेंगे। तो एक तरफ जानों का ये ज़िया हो, जो ख़ानदान हैं उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, और इस मुल्क का वज़ीर दाखला सियासी मामलात लेके बैठा हो। मैं कम से कम मेरा दिल ये नहीं मानता कि मैं उस पे इजहार ख्याल करूं। वज़ीर दाखला जनाब चौधरी निसार अली खान जब भी इजहार ख्याल करेंगे, इस मौजू पर इजहार ख्याल करेंगे, मेरा अपना तजुर्बा ये है 3 दहाई से ज़्यादा का जनाब चौधरी निसार अली खान से ज़ाती तौर पर जानने का, भी उनकी सियासत को भी जानने का, मैं नहीं समझता कि इस कड़े वक्त में जनाब चौधरी निसार अली खान हो सकता है कहे कि वजारत के लिए मैं इस वक्त नहीं मौजूद वक्त समझता, लेकिन नवाज शरीफ का साथ छोड़ दे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अबेंडन कर दे, इस कड़े वक्त में सख्त वक्त में इम्कान नज़र नहीं आता कि वो ऐसा करेंगे। जानते हैं सब लोग चौधरी निसार अली खान साहब लगी लिपटी नहीं रखते, रास्त बात करते हैं, पूरे ज़ोर से बात करते हैं, शायद भरपूर अंदाज से बताएँ कि उनके तहफ़ुज़ात क्या हैं, कहाँ वो हर्ट हुए हैं, सब कुछ वो करेंगे। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि जनाब चौधरी निसार अली खान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस वक्त छोड़ दें, उनकी पार्टी को छोड़ दें, शायद मुमकिन नहीं है, वजारत बहरहाल छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।